आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज में विश्व भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ रहे हैं, जहां से आपके भर्ती परीक्षा में बार बार प्रश्न आते हैं। इस वीडियो के अंत तक कॉपी कलम लेकर बैठे रहिएगा। यदि आपको भी सरकारी नौकरी करनी है, क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपका सिलेक्शन, तो चलिए बिना देरी के आप लोग इस वीडियो में जुड़िए। और साथ ही साथ इस वीडियो में जुड़ने के बाद आप इन सभी तथ्य जितने भी हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो को, उनको भी आराम से हम लोग को लिखते चलना है, पढ़ते चलना है, क्योंकि रेस के घोड़े जो होते हैं ना, वो हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप तो ऐसे ही रेस के घोड़े हैं, ठीक है। तो चलिए क्रम से आपके पास वीडियो के करके सामने दिख रहा होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग भी इस वीडियो में जुड़े होंगे और आप अपना बेहतर दे रहे होंगे, क्योंकि जो रेस के घोड़े होते हैं ना, वो हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप तो ऐसे ही रेस के घोड़े हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन से देश स्थल बाधित हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए। तो चलिए आज के प्रश्न का, जितने भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, वे फटाफट कॉमेंट करेंगे और दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। जल्दी से बताइए सभी साथी, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके भर्ती परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और आप लोग को बार बार ऐसे प्रश्नों का जवाब देना होगा। चलिए यहाँ पे हैं, ध्यान से देखते हैं। स्थल बाधित माने स्थल से बाधित कौन कौन से देश है, यहाँ पे ध्यान देना होगा। एक है आपका अफगानिस्तान, ठीक है। दूसरा स्थल बाधित देश उन्हें कहा जाता है जो चौतरफ भूमि से घिरे हों, अफगानिस्तान है, हंगरी है और स्विट्जरलैंड है। मलेशिया नहीं है, ठीक है। मलेशिया क्या है, यह चारों तरफ स्थल से घिरा हुआ नहीं है। मतलब यहाँ पर साफ और स्पष्ट है कि यहाँ पर जो आपके सामने प्रश्न है, उसका जो सही उत्तर है, जो सही विकल्प हमें और आपको दिखाई दे रहा है, वो क्या होगा। तो भैया ये सिलेक्शन वाली क्लास है, तो जवाब तो आपका बनता ही है। मतलब यहाँ पर साफ और स्पष्ट है इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी होगा। जितने साथी मित्रों ने इस प्रश्न का उत्तर डी दिया है, उन सबके जवाब पूरी तरह से सही हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अफगानिस्तान, हंगरी और स्विट्जरलैंड, एक सवाल है आपसे। अफगानिस्तान स्विट्जरलैंड को बता दिया था, हंगरी की राजधानी क्या है। जितने भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, वे सभी फटाफट जाएं और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि हंगरी की राजधानी क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जी हाँ, यहाँ पर आप लोग को प्रश्न जो है पूरी तरह से दिख रहा होगा लाइव आपको, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर आंग्ल अमेरिकन सांस्कृतिक परिमंडल में नहीं सम्मिलित किया गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में नहीं है और नहीं वाले प्रश्न को हल करते समय ध्यान से देखना होगा। देखिए आंग्ल अमेरिकन संस्कृति परिमंडल में कौन कौन से देश को सम्मिलित किया गया है, कौन कौन से देश को सम्मिलित नहीं किया गया है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाइए और प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जी हाँ, ध्यान से देखिएगा, अगर हम आंग्ल अमेरिकन की बात करें तो केवल दो देश आते हैं। वो दो देश कौन कौन से हैं, वह केवल कनाडा और यूएसए हैं, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। मतलब एक और दो को सम्मिलित किया गया है और तीन और चार को सम्मिलित नहीं किया गया, मैक्सिको और क्यूबा को, मतलब तीन और चार। यहाँ पर इस प्रश्न का भी जो विकल्प होगा वो डी होगा। मतलब यहाँ पे बात साफ और स्पष्ट है कि यहाँ पर आप लोगों ने भी जो जवाब दिया है, उस प्रश्न का जवाब क्या होगा, नहीं है। मतलब पूछेगा तीन चार, है पूछेगा कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, माने दो देश ऐसे हैं जो आंग्ल अमेरिकन संस्कृति परिमंडल में सम्मिलित किए जाते हैं, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में प्रायः पूछे जाते हैं, तो हम ये चाहेंगे कि ऐसे प्रश्नों को आप पढ़ें, ऐसे प्रश्नों को दें। जी हाँ, आपके सामने एक नए तरह से प्रश्न आ रहा होगा, ये चार विकल्प के साथ पोल भी है। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप पर, जहां भी देख रहे हैं। निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देशी राष्ट्रहित में महत्वपूर्ण है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। अगर इलेनी बिद्रगेस का आपने नोट्स पढ़ी होगी तो वहाँ पे हमने आपको ये बताया था स्पष्ट रूप से कि भूमध्य रेखा पर अवस्थित जो देश है वो कौन सा है। तो जल्दी जल्दी बताइए यहाँ पर। देखिए अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, इक्वेडोर है, कोलंबिया है, इंडोनेशिया है, केन्या, रवांडा, कांगो, गेबन, सुरीनाम, ये ऐसे देश हैं जो भूमध्य रेखा पर स्थित है। तो यहाँ पर बताना है कौन कौन से देश यहाँ पे भूमध्य रेखा पर है। यहाँ तो एक हो गया कोलंबिया, ठीक है। दूसरा केन्या, बुरनई और वेनेजुएला नहीं है, मतलब तीन और देखा जाए तो तीन तीन दोनों, मतलब एक एक बात दो होगा ना, दो तीन। यहाँ पर
इस प्रश्न का उत्तर होगा 2 एवं 3, मतलब जितने लोगों ने यहां पर इस प्रश्न का उत्तर दूसरा दिया था उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही थे। अब हम चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। आप लोग ऐसे ही अपना बेस्ट देते रहें और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन से द्वीप समूह का तीनों द्वीप में विभाजित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। मैं चाहूंगा आप सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर दें। जी हाँ, यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह में का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है। काफी महत्वपूर्ण है, 3 देशों में विभाजित है। ये कैसा प्रश्न है जो आपके परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं ना, ये विश्व भूगोल सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 15 सेकंड है आपके पास प्रश्न का जवाब देने के लिए। 15 सेकंड के बाद हम आपको इस प्रश्न का जवाब देंगे। 15 सेकंड में आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। देखिए, यहां से एक बात तो स्पष्ट हो रहा है, साफ हो रहा है कि आप लोग की मेहनत में भी कमी है और आप नोट्स ले लेने भी दुर्गेश कर हो सके तो पढ़ लीजिएगा। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चलिए यहां पर अगर देखा जाए प्रश्न नंबर 174 में इस प्रश्न का उत्तर होगा बोर्नियो। देखिए, बोर्नियो पूर्वी द्वीप समूह में, बोर्नियो द्वीप 3 देशों में विभाजित है। राजनीतिक रूप से तीनों देश अगर देखा जाए तो इंडोनेशिया, लिख लीजिएगा सभी लोग, इंडोनेशिया में भी, मलेशिया और बोर्नियो में विभाजित है, ठीक है। इसमें इंडोनेशिया 73%, मलेशिया 26% और बोर्नियो 1% भाग में है। ये बोर्नियो द्वीप है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प है, आप लोगों ने जो बताया, काफी लोगों ने गलत भी बताया, काफी लोगों ने सही भी बताया है, तो लेकिन यहां पर ओवरऑल इस प्रश्न का उत्तर ए वालों का राइट आंसर है। यार, वीडियो को आपने क्या लाइक किया, अभी तक लाइक कर दिया है तो लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी ही है। अगला प्रश्न आपके सामने है कुलगार्दी ऑस्ट्रेलिया में किस प्रांत में स्थित है। तो प्रश्न को पहले एक बार ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद दिए गए प्रश्न का जवाब आप दीजिए। न्यू साउथ वेल्स, नॉर्दर्न टेरिटरी, क्वींसलैंड, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। आपके पास 15 सेकंड है, 15 सेकंड में आपको इस प्रश्न का जवाब देना है। चलिए, कुलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में स्थित है। तो यहां पर ध्यान देना होगा कि कुलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी प्रांत में स्थित है। यहां पे सोने की खाने हैं। यहां पे क्या है, अगर कुलगाड़ी पूछ लिया जाए तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, सोने की खाने हैं, सोने की राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, सोने की खाने हैं, ठीक है। इसलिए यहां पर यह प्रश्न आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। चलिए और आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमने और आपने देखा, इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो होगा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, मतलब ये पश्चिमी प्रांत में। कहाँ पर है ये पश्चिमी, कहाँ पर है ये पश्चिमी प्रांत में है, ठीक है। कहाँ पे है, पश्चिमी प्रांत में है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, ये सोने के खानों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से देश का युग्म अरल सागर के किनारे है। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी फटाफट कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। यहाँ पर है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे पूछा है अरल सागर, सागर कौन सा पूछा है, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अरल सागर के किनारे हैं, तो जल्दी जवाब दीजिएगा, अरल सागर क्या है, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिएगा। अरल सागर किनारे एशिया के, देखा जाए यहाँ पे ध्यान से तो 2 देश, अगर कैस्पियन सागर के देखा जाए, कैस्पियन सागर किनारे एशिया के 3 देश हैं, ईरान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और तजाकिस्तान, ये तीनों कहाँ पे आते हैं, ये कैस्पियन सागर के पास है, लेकिन यहाँ पर अरल सागर पूछा है, तो अरल सागर में कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। लेकिन अगर यहीं पर इसकी जगह पर यह पूछ देता कि कैस्पियन सागर में कौन है, तब क्या बताते हैं आप लोग, जरा कमेंट सेक्शन में जाइएगा,
कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर में कौन-कौन आते हैं? पहले तो एक ईरान आता है, एक ईरान आता है, दूसरा अगर देखा जाए तो यहां पर कजाकिस्तान, और तीसरा अगर पूछ दिया जाए तो ताजिकिस्तान। ठीक है, तो ये कैस्पियन सागर से तीन देश लगे हुए हैं, तो ये लोग याद रखिएगा। अरल सागर से पूछेगा तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। एक सवाल आपसे है, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, ईरान की राजधानी क्या है, क्योंकि मैंने ये पढ़ाया है। और मैं चाहूंगा आप इस प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पर आ गया होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से देशों का आरोही क्रम बताइए। अगर आप ई लर्निंग विद दुर्गेश के फेसबुक पेज और यूट्यूब पर अगर ये क्लास आप निःशुल्क देख रहे होंगे तो आपको ये पता होगा कि ऐसे प्रश्न हमने आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में जाइए और जवाब जरूर दीजिएगा। फटाफट कमेंट करिए, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा सभी साथी। 15 सेकंड आपके पास, 15 सेकंड के बाद हम इसका जवाब देंगे। देखिए यहाँ पे बी गायब हो गया है, तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे एक विकल्प नहीं है। देखिए आरोही क्रम की बात कर रहा है, आरोही क्रम समझ रहे हैं, मतलब यहाँ पे छोटे से बड़े में। तो हमने जब पढ़ाया था वहां पे बताया था कि क्रम आपको शायद याद होगा, प्रमुख देशों में अगर सबसे बड़ा देखा जाए तो क्या है, रूस है, लेकिन अर्जेंटीना जो था वो छोटा था। अर्जेंटीना से बड़ा भारत, भारत से बड़ा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से बड़ा ब्राजील। माने बढ़ते हुए क्रम में अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये सी इस प्रश्न का सही और राइट आंसर है। जिन साथी मित्रों ने इस प्रश्न का विकल्प सी का चयन किया था उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही थे, विकल्प बी कट गया था इसलिए बी की कोई बात ही नहीं करनी है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 178। ठीक है, प्रश्न नंबर 178 आपके सामने है। यहां पे प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी समुद्र रेखा सर्वाधिक लंबी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की, कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की, ब्राजील की, एकदम रट लीजिएगा। और पूरे दुनिया में सबसे कटापिटा, जो कटापिटा तटरेखा वाला देश कौन सा, एक ऐसा प्रश्न है जो आपको परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। कटापिटा वाला देश पूछा जाएगा जिसकी सीमाएं जो है कटापिटा है, बताइए कौन सी है, भारत की, कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की, ब्राजील की, बताइए। ये वर्ल्ड के लिए प्रसिद्ध है, ये पूरे विश्व के लिए पूछे जाते हैं। देखिए टेलीग्राम पर सभी लोग डेली क्लास के लिए दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ जाएंगे। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ये वीडियो फेसबुक पेज दुर्गेश यूट्यूब चैनल पर निशुल्क लाइव आपके लिए चल रहा है। ठीक है, आज की क्लास कैसी लग रही कमेंट बताइए। आप लोग की संख्या बहुत ही कम है यार, बढ़ाइए, लोगों तक तो पहुंचाइए, बार बार कहना ना पड़े। अगर सरकारी नौकरी करना है तो आपको भी अपना बेस्ट देना होगा। चलिए यहां पर हमने देखा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा कनाडा, माने बी वालों का जवाब सही है, लेकिन जवाब में बी, क्योंकि कनाडा की सीमा सबसे ज्यादा है पहले पकड़ देखा जाए, उसके बाद दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है, और तीसरे नंबर पर ब्राजील की, और चौथे नंबर पर भारत की। माने इस प्रश्न का उत्तर आपको पता हो गया, इसका उत्तर क्या होगा, बी इस प्रश्न का सही और राइट आंसर होगा। क्या यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया? क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसको ये समझ में ना आया हो? अगर ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से प्रातःकालीन शांत स्थल किसे कहा जाता है। प्रातःकालीन शांत स्थल किसे कहा जाता है, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। देखिए ऑनलाइन क्लास है, नोट संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर आप लोग जुड़ सकते हैं। यह क्लास जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आप सभी के लिए निःशुल्क लाइव चलती है। ठीक है, बताइए जल्दी फटाफट कमेंट करके, जितने भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं। ये 15 सेकंड आपके पास सवाल का जवाब देने के लिए, 15 सेकंड है आपके पास केवल। देखिए यहां पर अगर आपने देखा फिलीपींस, जापान, ताइवान, कोरिया, देखिए ज्यादातर लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर जापान बताया है, कुछ लोगों ने इसका उत्तर फिलीपींस बताया है, लेकिन इसका जो सही एग्जैक्ट उत्तर होगा वो होगा कोरिया को। क्या होगा, कोरिया को, देखिए दक्षिण कोरिया नामक देश को, कौन सा कोरिया, दक्षिण कोरिया लिख लीजिएगा, दक्षिण कोरिया
देश को प्रातःकालीन शांत स्थल कहा गया है। कोरिया की राजधानी क्या है, कोई बता सकता है? इसकी राजधानी क्या है, कोरिया राजधानी क्या है, किसी को पता है? सियोल है। क्या है? सियोल है। यह राजधानी क्या है? सियोल है। ठीक है। कनाडा का कटाफिटा है, इसलिए लोग को चिली लगता होगा, लेकिन कटाफटा है। समुद्र सीमा की बात करें तो कटाफटा है। विकल्प के अनुसार अगर हम प्रश्न में देखें तो प्रश्न के हिसाब से सबसे लंबी समुद्र तट रेखा अगर देखा जाए तो किसकी थी? कनाडा की थी। किसके आधार पर? कटाफटा के अनुसार। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा। 180 कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ध्यान देने योग्य बात है, तीन है और एक नहीं है, और आपको जो विकल्प है उसमें यही बताना है कि कौन सा नहीं है। मतलब नहीं है, ध्यान दीजिए, जो गलत है वही आपका सही होगा। एशियाटिक सागर की रानी रोम को कहते हैं, लोरेन कोयला क्षेत्र फ्रांस को कहते हैं, वेस्ट मिडलैंड वर्मिंग को कहते हैं, टूला रूस को। जल्दी बताइए क्योंकि 15 सेकंड है आपके पास सवाल का जवाब देने के लिए, जल्दी जवाब दीजिएगा। देखिए टूला ये रूस सही है, वेस्ट मिडलैंड वर्गिम सही है, लोरेन कोयला क्षेत्र फ्रांस को कहते हैं, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर एक बात कह रहा है, इटली एशियाटिक सागर की रानी रोम जो कह रहा है, इटली में स्थित वेनियल शहर को एट्रियाटिक सागर की रानी कहते हैं। तो कौन सा शहर को? इटली में जो है रोम नहीं है, कौन सा शहर है? वेनियल शहर है। ये दोनों इटली के ही हैं, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर इसलिए एक गलत है, और जो गलत है वही हमारा सही है। ठीक है, यहां पे क्या है, जो गलत है वही हमारा क्या होगा? सही होगा। क्लियर? किसी के मन में कोई डाउट, कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा सभी को, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे होंगे। यहां पर प्रश्न नंबर 181, क्या आप लोग को भी दिख रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में उसके क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है? इजराइल, भूटान, आइसलैंड, गैबन, बताइए सभी लोग। देखिए आप देख पा रहे हैं कौन सा इसका उत्तर ज्यादा दे रहे हैं, कौन कौन इसका उत्तर कम दे रहे हैं, एक आंकड़ा निकल जाएगा आप लोग को। मतलब एक ऐसी सीरीज आप देख रहे हैं, यार लोगों तक पहुंचाइए, वीडियो को शेयर करिए, आपकी जिम्मेदारी है, जितनी मेरी उतनी आपकी भी है। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, क्योंकि इससे ये याद होगा परीक्षा में होती है तो कौन सा विकल्प का चयन करते। देखिए यहां है, इस प्रश्न का अगर उत्तर आप देखेंगे तो इजराइल होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इजराइल। देश के कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक जो क्षेत्र है वो राष्ट्रीय पार्क के रूप में है, अर्थात इस प्रश्न का सही विकल्प जो है ए राइट आंसर है। चलते हैं एक और हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे ध्यान देना है आपको, मिलान करना है। ठीक है, तो मिलान करने वाले में केवल मैं आपका जल्दी से मिलान करा देता हूँ। जैसे यहाँ पे पूछा है स्वर्णिम त्रिकोण, तो जो स्वर्णिम त्रिकोण है ये दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम क्षेत्र कहलाता है। अगर हम बरमूडा त्रिभुज की बात करें तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। सुदूर पूर्व चावल का कटोरा बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यांमार को कहते हैं, रट लीजिएगा। रेड बेसिन चीन को कहते हैं, रेड बेसिन किसे कहते हैं? चीन को कहते हैं। किसको कहते हैं? इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिए, परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं। और हम दो तरह से हम लोगों ने आप प्रश्न को पढ़ा, एक तो मिलान करने के माध्यम से, दूसरा एक अन्य तरीका के माध्यम से भी हम इसको पढ़ लेंगे। क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसको यहाँ पर इस प्रश्न में कोई समस्या आई हो? अगर आई हो तो कमेंट सेक्शन में जाएगा और कमेंट करके पूछेगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल केवल आपका सलेक्शन है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसके नाम का मतलब लगभग 40 कबीलों का देश होता है? किसका मतलब 40 कबीलों का देश? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। इनकी राजधानी आपको याद करना होगा, क्योंकि ये सारे देश एशिया महाद्वीप के हैं, और एशिया महाद्वीप में आप भी रहते हैं और हम भी रहते हैं, क्योंकि हम तो जौनपुर जनपद के सिराजहन से हैं। तो आप किस जगह से हैं ये कमेंट करके ही बताइएगा, ताकि मुझे भी ये पता चल जाए कि यार आप कहाँ कहाँ से हैं,
जी हाँ, मैं जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आपके लिए निःशुल्क लाइव सीरीज लेकर आता हूँ प्रतिदिन अपने बचे हुए समय में। जी हाँ, आपके पास 5 सेकेंड और है, आप अपना जवाब टाइप कर सकते हैं, अपने उत्तर को लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर होगा किर्गिस्तान। मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? किर्गिस्तान होगा। ध्यान दीजिएगा, किर्गिस्तान नामक देश का मतलब होता है 40 कबीलों का देश। इसी का मतलब क्या होता है? 40 कबीलों का देश। मतलब अगर आपने इस प्रश्न को अगर आपने पहली बार पढ़ा होगा तो रट लीजिएगा, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और जब अगर बार बार जो प्रश्न आएंगे तो भैया उसकी तैयारी भी तो आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा ध्वस्त नगर घोष टाउन नहीं है? कौन सा इसमें से ध्वस्त नगर नहीं है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इससे आपकी सीरीज तैयार होगी। परीक्षा वाले माने जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, हम उन्हीं सीरीजों को पढ़ेंगे जहां से आपके भर्ती परीक्षा में बार बार प्रश्न आते हैं। कुलधारा, धनुषकोड़ी, लखपत, चरखारी, ध्वस्त नगर क्या क्या है? देखिए ध्यान से देखते हैं। पहली बात तो कुलधारा, कुलधारा कहां पे है आपकी? ये उत्तराखंड में है, ये उत्तराखंड में है। ये है धनुषकोड़ी, तमिलनाडु में ये भी है। और यहाँ पे लखपत, ये भी ध्वस्त नगर है। लेकिन चरखारी ये घोष टाउन नहीं है। घोष टाउन ध्वस्त नगर नहीं है, और जो नहीं है वही आपका सही है। तो आप लोग देख सकते हैं कि आपने अपने हिसाब से किन प्रश्न का उत्तर सही किया है। एक ऐसा तरीका है जैसे आपको ये लग रहा है कि आप ऑनलाइन परीक्षा में बैठे हैं। ये तभी संभव है जब आप लाइव क्लास पढ़ रहे हो, ठीक है। आप अपने आप से ये जान सकते हैं कि आपने कितना सही किया है अभी तक, और अभी तक आपको कितना बेहतर करना है। ठीक है, जल्दी से बताइए, निम्नलिखित में से यूरोप की तेल की राजधानी कहा जाता है? बेलफास्ट को, एवरडीन को, लीड्स को, लिवरपूल को? जवाब दीजिए जल्दी से सभी लोग। यार वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए सभी लोग फटाफट। जितने वीडियो को देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे। देखिए यहां पे प्रश्न है निम्नलिखित में यूरोप के तेल की राजधानी। देखिए आप लोग ने जवाब दे दिया है सभी साथी, और हम चाहते हैं कि इस तरह से आप लोग जुड़े रहें। और पोल भी आप विकल्प को भी एवरडीन है, माने एवरडीन को यूरोप तेल की राजधानी कहते हैं। यह आप याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न आते हैं, और जब प्रश्न आते हैं तो आपसे प्रायः जो है गलती हो जाती है। चलिए चलते हैं एक और अगले प्रश्न के लिए, आप लोग तैयार हैं? अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइए किस विकल्प को ताला लगाएंगे? निम्नलिखित में से किस समूह देश की सीमा इजराइल से लगी हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट है। और इजराइल की राजधानी क्या है? कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। आप जल्दी से 15 सेकंड अपने पास अपने विकल्प को लॉक करिए, कौन से विकल्प पे ताला लगाते हैं। आपके पास कुल 15 सेकंड है, 15 सेकंड आपके पास विकल्प पे ताला लगाइए। जल्दी से 15 सेकंड है आपके पास। देखिए एक बात तो है, आप लोगों ने प्रश्न का यार लोगों तक पहुंचाइए, आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको क्लास बेहतर लग रही है वीडियो को शेयर करिए, ये सिलेक्शन वाली क्लास है। देखिए लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है, मिस्र की सीमा लगी हुई है। अर्थात इस प्रश्न का जितने साथी मित्रों ने ए उत्तर दिया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही है। याद रखिएगा इजराइल से प्रश्न आता है, एक सवाल है इजराइल की राजधानी क्या है, और आपने देखा होगा इजराइल और फिलिस्तीन को बेहतर हो सके। बाकी मानचित्र जब हम पढ़ाएंगे आपको, जल्दी मानचित्र पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको सारी चीजें क्लियर कर देंगे मानचित्र के माध्यम से। आप सभी लोग ऑनलाइन क्लास से नोट्स के लिए इस नंबर पर जुड़े रहिएगा जहां पे आपको नोट्स के माध्यम से सारी चीजें मिल जाएंगी। ये जौनपुर जनपद से मेरे द्वारा निःशुल्क क्लास चल रही है फेसबुक और यूट्यूब पर। 15 सेकंड है, आपको बताना है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, 3 है और 1 नहीं है, तो बताइए कौन सा नहीं है। फटाफट कॉमेंट करिएगा, जितने वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कॉमेंट करके बताइए। कह रहा है कि गिनी बिसाऊ ताइवान, ताइपे,
निकारगुआ, मानागुआ, मालदीव, मालागो। तो यहाँ पे ये देश है और ये राजधानी है। इसी बहाने कम से कम नए नए देश और उसकी राजधानियां सुनने का मौका तो आपको मिल जा रहा है। ये हमारे लिए और आपके लिए बड़ी चीज है। यहां पे देखिए, यहां पे गिनी बिसाउ की राजधानी बिसाउ है, सही है। ताइवान की राजधानी ताइपे है, सही है। निकारगुआ की राजधानी मानागुआ है, लेकिन मालदीव की राजधानी मालाबो नहीं है, मालदीव की राजधानी माले है। क्या है? इसकी राजधानी माले है। इसलिए जो गलत है वही सही है। जितने लोगों ने डी विकल्प को ताला लगाया था उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही थे। इस प्रश्न में सभी के उत्तर गलत थे, कुछ के सही भी थे। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है, सिलेक्शन लेना है, तो यहाँ पर इन सभी तथ्यों को ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट रखिएगा, क्योंकि इसी बहाने आपको कई देश आपके तैयार हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये वीडियो फेसबुक पर भी आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 188 है, ध्यान से पढ़िएगा। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी साथी, आप बताइए कौन से विकल्प को आपने ताला लगाया, कौन से विकल्प को आपने ताला लगाया, जल्दी से बताइए। स्वर्ण उत्पादन के लिए, उत्तम जलवायु के लिए, शिक्षा केंद्र के लिए, मुर्गी पालन के लिए। अभी हमने कालबुर्गी पढ़ा, आज की ही क्लास में अगर आप लगातार पढ़ रहे होंगे तो आज आपको मैंने कालबुर्गी पढ़ाया था। यह कहां पर है? यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिम प्रांत में है, लेकिन आपको यह बताना है किसके लिए यह विख्यात है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, कौन से विकल्प पे ताला लगाया जाए, कौन से विकल्प पे ताला लगा, जल्दी से बताइए। जी हां, स्वर्ण उत्पादन के लिए, सोने के खानों के लिए, सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध है ये। ऑस्ट्रेलिया का में सबसे पहले सोना न्यू साउथ वेल्स और जो ऑरेंज को 19वीं सदी में खोजा गया था, कहां पे? न्यू साउथ वेल्स के ऑरेंज शहर में खोजा गया था सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद विक्टोरिया, क्विंसलैंड, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश है। ऑस्ट्रेलिया का 70% सोना पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से ही निकाला जाता है, जहां पर विश्व की प्रसिद्ध स्वर्ण खान कालगुर्गी या कुलगाड़ी है, ठीक है। कुलगाड़ी भी यहीं पर है। इसलिए इस प्रश्न के बारे में आप अच्छी तरह से जानते रहिएगा, नहीं तो आप अपने परीक्षा हाल में जब जाएंगे तो गलती कर देंगे। फिर मत कहिएगा कि सर हमें तो लग ही नहीं रहा है कि हम जैसे ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं। जी हाँ, अगला है आपके सामने, भारत में संपूर्ण रूप से साक्षर दूसरा गाँव क्या है। एक ऐसा यूनिक प्रश्न है जो परीक्षा में आता है तो हमसे आपसे गलती हो जाती है, लेकिन आज आप बताइए कौन से विकल्प पे आपने ताला लगाया। बुधपुर, आदमपुर, बालासोर, सलेमपुर, बताइए। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हां, यहां पे देखिए गलती से जो विकल्प है वो नहीं दिया है, तो मैं यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पर जो विकल्प है वो अजावल है। देखिए यहाँ पर वो विकल्प नहीं दिया है, तो यहाँ पे ध्यान देना होगा। जो ये आदमपुर बिहार दिया है, इसको काट कर यहाँ पे हम एक विकल्प दे देते हैं। अरे यार नहीं, ये है आपका ये, जहाँ सलेमपुर उत्तर प्रदेश है, सरचिप है, ध्यान से लिख लीजिएगा, सरचिप। सरचिप कहाँ पर है? ये मिजोरम में, सरचिप मिजोरम में है। यह आपका विकल्प डी है और यही आपका सही है। यहाँ पे 98.76% साक्षरता है। अगर दूसरे पे देखा जाए, ये तो पहले पे हो गया, अगर दूसरे पे देखा जाए तो अजावल है, अजावल है। ये कहाँ पर है? ये भी मिजोरम में ही है, ये भी मिजोरम का ही गांव है। यहाँ पे लेकिन 98.5% है, ठीक है। अब इसके बाद अगर सबसे कम न्यूनतम बात करिए, न्यूनतम साक्षरता की बात की जाए, तो यहाँ पे पहले पर आपका आता है अलीराजपुर। कौन सा? अलीराजपुर। कहाँ पर है ये? एमपी, मध्य प्रदेश में। यहाँ पर है 37.22, सबसे कम साक्षरता वाला भारत का गांव है। तो यहाँ से अगर आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट आप सभी लोग रख लें, बाकी आपकी मर्जी। मैं चाहूँगा इसकी स्क्रीनशॉट अगर आपके पास रहेगी तो आप सिलेक्शन के काफ़ी नज़दीक रहेंगे। बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं
जहाँ से परीक्षा में आपके सवाल आएंगे और आप गलती, ये पहली बार नया प्रश्न आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग पढ़ रहे होंगे लेकिन पहली बार आपने ये नया प्रश्न देखा होगा जिसकी व्याख्या भी मैंने कर दिया, ठीक है। इसके बाद बीजापुर अगर देखेंगे दूसरे स्थान पर, तो बीजापुर आता है, बीजापुर, तो बीजापुर कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में, यहाँ पे भी 41% है, तो चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। सरकारी नौकरी करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अगला है, विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, कौन से विकल्प के सामने ताला लगाइए, विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, जल्दी से ताला लगाइए, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे फटाफट कमेंट करिए और ताला लगाइए, विकल्प में ताला लगाइए। देखिए इसको सुगर बाउल किसे कहते हैं, मतलब 100% आपका सही जवाब नहीं आ रहा है यार, बताइए कौन से विकल्प को ताला लगाया आपने, आपके सामने इतना बढ़िया पोल चल रहा है फिर भी आपको 5 सेकंड है, जल्दी जवाब दीजिएगा। चलिए ध्यान से देखते हैं, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो क्यूबा होगा, इसे चीनी का कटोरा कहते हैं, ये चिली दक्षिण अमेरिका का महत्वपूर्ण देश है, अगर चिली की बात करेगा तो यहाँ पे तांबा ज़्यादा होता है, भारत को उपमहाद्वीपों, भारत को उपमहाद्वीप कहते हैं क्योंकि यहाँ पे महाद्वीप में मिलने वाली सभी विशेषताएं हैं। और क्यूबा की राजधानी क्या है बता सकता है, क्यूबा की राजधानी, क्यूबा की राजधानी हवाना है, अभी किसी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है क्यूबा की राजधानी क्या है, हवाना है। जरा आप लोग जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं एक बार की खाली कमेंट करिए और ये बताइए कि क्या आप सभी लोग को ये आज की क्लास कैसी लग रही है, क्योंकि आज आप अपने विकल्प का ताला आसानी से लगा रहे हैं और आपको लग रहा होगा कि यार हम परीक्षा हाल में होते तो वास्तव मेरा गलत हो गया होता। अगला है आपके सामने, विश्व में लौह अयस्क उत्पादन में प्रथम स्थान है, तो बताइए कौन से विकल्प को ताला लगाया जाए, विश्व में लौह अयस्क उत्पादन में प्रथम स्थान किसे मिला है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करिए। बताइए जल्दी जल्दी सभी साथी जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, 5 सेकंड आपके पास और है, 5 सेकंड बाद ताला लगाना है आपको, 5 सेकंड आपके पास और है। चलिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, अब अपनी परसेंटेज देख लीजिएगा, उससे आपको एक आंकड़ा मिल जाता है कि आपको कैसा जवाब देना है। सोचिए ऐसे सवालों का जवाब, अगर आप लौह अयस्क उत्पादन आप गलत बता रहे हैं, सोचिए। देखिए यहां पर इस प्रश्न का उत्तर अगर विकल्प के आधार पर देखा जाए, देखिए सबसे ऊपर अगर देखा जाए यहां पे जो प्रश्न दिया गया है, सबसे ज्यादा यहां पर क्या है जो यहां विकल्प नहीं है वो हम यहाँ पे क्रम दे देते हैं, क्योंकि प्रश्न को टाइप करने में थोड़ी सी गलती हो गई, पहले पर चीन है, दूसरे पर ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे पर ब्राजील है और चौथे पर भारत है। तो यहाँ पे जो ये प्रश्न था, इस प्रश्न में जहाँ पे सोवियत संघ था यहाँ पर आपको विकल्प में चीन कर लीजिएगा, ठीक है, क्या कर लीजिएगा, चीन, और इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, चीन। यहाँ पे टाइप करने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, ठीक, आज आप लोग को लग रहा है एग्जाम हाल में आप लोग बैठे हैं, आप अपने विकल्प का ताला लगाते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ, मुझे लग रहा होगा आज आप लोग के जो कॉन्सेप्ट हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो रहे होंगे और आप लोग को अच्छा लग रहा होगा कि कैसे कैसे प्रश्नों का हल आपने दिया है। अगला देखिएगा, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे विरल प्रदेश कौन सा है, जनसंख्या दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे विरल कौन सा है, जनघनत्व, बताइए। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, बताइए सभी लोग बताइए। देखिए यहाँ पे विकल्प के आधार पर बताना है, वैसे मैं बता दूं कि केरल का, देखिए यहाँ पे होता है केरल का जो होगा आपका 819 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बिहार का सबसे ज़्यादा है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, राजस्थान का 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जम्मू कश्मीर का
124 व्यक्ति प्रति, ये सारा सवाल में आप लोग जोड़ लीजिएगा, व्यक्ति प्रति वर्ग किमी, ये हर में जोड़ लीजिएगा। अब आपको, अब देखिए कौन से विकल्प आपने ताला लगाया था, कौन से विकल्प आपका सही है, कौन सा विकल्प आपका गलत है, अब जल्दी से बताइए। सबसे विरल, तो आप लोगों ने ध्यान से देख लिया, अगर सबसे विरल की बात की जाए, किसके जनगणना 2011 के आधार पर, इस प्रश्न का उत्तर होगा विरल, मतलब दूर दूर, कहते हैं ना विरल है, माने कोई यहाँ है कोई यहाँ, दूर दूर है, ठीक है, मतलब यहाँ पे सबसे कम जनघनत्व तो होगा, यहाँ पे उसकी बात कर रहा है। तो क्या आप लोगों को, देखिए प्रश्न की भाषा भी समझनी जरूरी है, इसी बहाने हम लोग कम से कम प्रश्न की भाषा तो समझ ले रहे हैं, काश परीक्षा में अगर ऐसे प्रश्न आएंगे तो क्या हम लोग से गलती नहीं होगी, हो सकती है। तो ये शब्दावली भी समझ रहे हैं, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसका थीम था, सही है। यहाँ पर 193 नंबर प्रश्न का पोल में 15 सेकंड के अंदर आपको अपना विकल्प का ताला लगाना है, बड़े बांध बनाने का विरोध किया जाता है क्योंकि इससे, बताइए बताइए जल्दी सभी लोग, क्योंकि जनसंख्या विस्थापन समस्या होती, प्रकृति असंतुलन पैदा होती, बहुत ही आसान प्रश्न है, देखना है कि सबसे पहले ताला कौन लगा रहा है, कौन कौन इस विकल्प का सही ताला लगा रहा है। एक ऐसी क्लास है जिसको आपको लगेगा परीक्षा हाल जैसा अनुभव होगा, आपको लगेगा कि परीक्षा हाल में बैठे हैं, ऐसा नहीं है घर में बैठकर आप पढ़ रहे हैं। 5 सेकंड और है, अपने विकल्प ताला लगाइए, 5 सेकंड आपके पास और है, 5 सेकंड बाद ताला नहीं लगा पाएंगे आप। ठीक है, 2 सेकंड, 1 सेकंड, चलिए यहां पर ध्यान देना है कि जनसंख्या विस्थापन समस्या उत्पन्न होगी, देखिए प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है जब बड़े बांध बनाए जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, आइए इसके बारे में बताते हैं। देखिए जलराशि पानी जगह संचित होगी, भूकंप का खतरा होगा, बांध टूटने पर भारी दृश्य होगा, वहां की इकोलॉजी सिस्टम बदल जाएगी, अर्थात यहां पर अगर देखें तो यहां पर सबसे ज्यादा जो प्राकृतिक का असंतुलन है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर पैदा होगा, और यह आपके परीक्षा के लिए इसीलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए परीक्षा में ऐसे प्रश्न यहां से आते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी, बी सबसे ज्यादा सही है। अगला, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिएगा कौन से विकल्प में ताला लगा रहे हैं, जल्दी से बताइएगा कौन से विकल्प पे ताला लगाया जाए, 15 सेकंड आपके पास। हाँ, आप जो अभी तक तो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक का बटन दबा दें, आप लोग इतने लोग वीडियो को देख रहे हैं, पैसे नहीं कटते आपके, लाइक बटन दबाइए, वीडियो को शेयर करिए, दबा के लाइक करिए, दबा के शेयर करिए, जितने लोग वीडियो को लाइक और शेयर किए ईश्वर करेगी अगली बार उनकी सरकारी नौकरी फिक्स हो, और जितनी मेहनत कर रहे हैं जल्दी उनको नौकरी भी सौगात मिले। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो यहाँ पर 3 सेकंड आपके पास और बचे हैं अपने विकल्प को ताला लगाने के लिए। जी हाँ, यहाँ पे परीक्षा जैसी अनुभूति होगी आज, मैक्सिको इस प्रश्न का सही जवाब है। जी हाँ, और ज़्यादातर लोगों ने मैक्सिको जवाब दिया है। तो यहाँ पर हमने आपने देखा, सभी ने देखा कि चांदी, जस्ता, सीसा प्रकृति में एक साथ मिलते, मैक्सिको चियाहुआ, कनाडा में सबडरी, म्यांमार में बादवीन चांदी उत्पादन के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। अगर ये लिखना चाहें तो आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि यह परीक्षा में यहाँ से सवाल आपके पूछे जाते हैं, और फिर हम और आप गलती कर जाते हैं। अगला सवाल, बाकू किस लिए प्रसिद्ध, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपने इसके बारे में सुना होगा, आपके सामने विकल्प 4 आ गए हैं और आपको ताला लगाना है, कौन से विकल्प पे आप ताला लगाते हैं, बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है, सघन रेल परिवहन जाल, गहन कृषि, खनिज तेल, विनिर्माण उद्योग के लिए, कौन से विकल्प ताला लगाया जाए, बताइए। देखिए काला सागर और कैस्पियन सागर के निकट जो है बाकू एवं ग्रोजनी, ये कहां पर है, ये रूस में है, एक तरह से देखा जाए कहां पे है, रूस में, बाहर बाकू में सबसे गहरे तेल के कुएं पाए जाते हैं, सबसे गहरे तेल यहां पे क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा, सबसे
गहरे तेल कुप पाए जाते हैं। अब आप लोग देख लीजिए कितने प्रश्न लोगों ने कितना सही उत्तर दिया, कितने लोगों ने गलत दिया है। ठीक है, यहां तक एक बात आप लोग जान लीजिएगा। अच्छा, ये पूछा जाए तेल की सबसे लंबी पाइपलाइन यही है, तेल की सबसे जो लंबी पाइपलाइन है वो कहां पर है, वो यही बाकू में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तेल की जो सबसे लंबी पाइपलाइन है वो कहां पर है, बाकू में ही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, वीडियो को शेयर कर दिए, पैसा नहीं लगे, मुझे बार बार कहते हैं, मुझे भी खराब लगता है। अब बताइए कौन से विकल्प को ताला लगाया जाए। विश्व में सबसे अधिक एल्यूमिनियम उत्पादक देश है, जर्मनी, भारत, ईरान, चीन, बताइएगा। देखिए पहले पे क्या है, दूसरे पे क्या है, तीसरे पे क्या है, तो पहला आप बताते रहिएगा। दूसरे पर रूस है, तीसरे पर कनाडा है, पहले पे क्या है बताइए। आपके सामने खुला हुआ है द्वार परीक्षा वाला, बताइए कौन से विकल्प ताला लगाया आपने, बताइए। सभी लोगों ने, अब आपको क्लियर ही नहीं हो रहा है क्या लगाएं। तो देखिए यहां पर पहले पर अगर देखा जाए तो चीन है, मतलब जितने लोगों ने इस प्रश्न का विकल्प डी लॉक किया था उनके जवाब सही है। सोचिए कितनी गलती आप लोगों ने किया, ऐसी गलती परीक्षा में मत करिएगा। विश्व में एल्युमिनियम का सर्वाधिक उत्पादन चीन करता है। ठीक है, यहाँ किसी के मन में कोई सवाल वाल तो नहीं है ना, अगर हो तो पूछ सकता है, क्योंकि हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि आप लोग को आज के सवाल को हल करने में कैसा लग रहा है, क्योंकि आप अपने विकल्प को भी लॉक कर रहे हैं और देख रहे हैं। अगला है आपके सामने, विश्व के चीनी के भंडार में कौन सा देश जाना जाता है, बताइए। अभी इस तरह के प्रश्न को हम लोगों ने हल किया है, एकदम परीक्षा जैसा लगेगा आज के सवाल की सीरीज में। डेली आप लोग लाइव आया करें टाइम से, और जिसकी लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, जो भी तक टेलीग्राम नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, अगर सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हो तब। देखिए आपके सामने खुला द्वार है, आप अपने विकल्प को ताला, 3 सेकंड और है, 3 सेकंड बाद आपके विकल्प लॉक हो जाएंगे, 2 सेकंड बचे हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पे आपने अपने विकल्प को लॉक कर लिया, यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा डी, क्यूबा। क्यूबा की राजधानी क्या है, ऊपर मैंने बताया, इसे चीनी का कटोरा कहते हैं और इसे विश्व के चीनी के भंडार के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए यहां पर जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ध्यान से पढ़ा होगा, ध्यान से, उनको खाली सवाल में थोड़ी सी गड़बड़ी आपको मिली और आप लोग गड़बड़ हो गए। जिसकी वीडियो साफ नहीं देख रहा हो वो वीडियो को क्वालिटी बढ़ा ले, वीडियो HD में चल रहा है। आपके सामने ताला लगाना है, सर्वाधिक सघन खेती कहाँ प्रचलित है, चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, डेली क्लास के लिए या ऑनलाइन क्लास नोट्स के लिए घर बैठे सूचना, यहाँ पे घर बैठे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, सारी क्लास मिल जाएगी आपकी बेहतर तैयारी के लिए। डेली क्लास की निःशुल्क क्लास मेरे द्वारा चलाई जा रही है। चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान, 15 सेकंड है आपके पास, 5 सेकंड आपके और बचे हैं, जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखिए सघन खेती मतलब सीधी सी बात है, जहां का क्षेत्रफल कम होगा। एक लाइन में बताइएगा, सघन खेती वही होगी जहां का क्षेत्रफल कम होगा। तो भैया चीन और भारत में खूब सारे क्षेत्रफल होंगे, यहां हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहां पे हो ही नहीं सकता। अपने 10-10 साथियों की आज की क्लास के बारे में बताइए। अब बच्चा इंडोनेशिया और जापान, देखिए कुछ प्रश्नों को हल करने के लिए टेक्निकल बातें आप लोग जानते रहेंगे तो कर लेंगे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जापान। क्या हो जाएगा यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो क्या होगा, अब आपका जापान हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अब आपका जापान। यहाँ पे ध्यान देना है, इसका उद्देश्य कम क्षेत्र में ज़्यादा ज़्यादा उत्पादन करना। तो सघन खेती का जो प्रचलन है वो कहाँ पर है, आपने सीधा सीधा देख लिया कि यह है जापान में प्रसिद्ध है, क्योंकि यार वहां जगह ही कम है ना, और जहां पे जगह कम है तो मजबूरी है। ठीक है, अच्छा जापान की राजधानी क्या, कमेंट करके बताइएगा, ऐसे मैंने पढ़ाया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपके सामने 4 विकल्प हैं, एक विकल्प में ताला लगाइएगा, सबसे जल्दी ताला लगाना है और ये देखना है, और आप खुद से देखिएगा कि कितना कम समय में कितना सही कर रहे हैं आप। किसी भी प्रश्न को हल करने में 15 सेकंड ज्यादा समय मत लीजिए, बहुत ज्यादा 20 सेकंड।
चीन के बारे में सही नहीं है, यहाँ पे चीन है सही नहीं है, माने गलत है, यही आपको समझना है। बताइए कौन से विकल्प ताला लगा रहे हैं आप लोग? जिस पर ज्यादा ताला लग रहा है वही गलत लग रहा है, सोचिए कितना मजा आ रहा होगा। देखिए यहां पे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, शंघाई इसका सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र है, सही बात। सोचिए आपको झटका लगेगा इस प्रश्न के बाद, और आ 10 लोगों को जोड़िएगा अगर प्रश्न के बारे में समझ में आ जाए। वांगहो नदी चीन का शोक कहा जाता है, सही बात। यहां सोयाबीन का अग्रण उत्पादक देश है, सही बात। यहां पे सर्वाधिक घना बसा हुआ देश है, जी नहीं। देखिए चीन में जनसंख्या सबसे ज्यादा है, पहले स्थान पर है, लेकिन यहां पे जनघनत्व जो है, जो जनघनत्व कम है, जनघनत्व कम है, क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल में जनसंख्या से भाग दे देंगे, जनघनत्व कम आ जाता है, इसलिए ए इसका गलत है। ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा, जी हां, ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न को आपने गलत ताला लगाया था, क्यों? क्योंकि यहां पे जमीन ज्यादा है और लोग भले ज्यादा है, तो यहां पे जनघनत्व क्या होता है, प्रति व्यक्ति एक वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले को जो आबादी है, यहां पे जो घना बसा हुआ नहीं है, ये विरल बसा हुआ है, याद रखिएगा ये घना बसा हुआ नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रश्न अगर आपके परीक्षा हाल में आएंगे और आप ऐसे प्रश्नों को गलती करेंगे, इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। आप मत कहिएगा कि दुर्गेश सर हमने यहां से कहां से गलती की। सोचिए ऐसे प्रश्नों को कितनी आसानी से हम लोग पढ़ते हैं और थोड़ी सी की वजह से यहां पे प्रश्न आपका गलत हो जाता है। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, परीक्षा में गलती मत करिएगा, बार बार मैं कह रहा हूं। अगला प्रश्न आपके सामने है और यहां पर आपको बताना है कौन सा सुमेलत सही नहीं है। चार विकल्प है, 15 सेकंड का समय है, उसमें से किसी एक विकल्प का आपको ताला लगाना है। ऑनलाइन क्लास या नोट संबंध अगर कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यह क्लास जौनपुर जनपद के सिराजा हिंद से आप सभी के लिए निःशुल्क लाइव चल रही है मेरे द्वारा। टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करके जुड़िएगा, आज का आखिरी सवाल है। इसी के साथ आज की सीरीज ये समाप्त हो जाएगी। विश्व भूगोल की जो महाभारत सीरीज चल रही थी वहाँ पर हम आप के लिए अब आगे की सीरीज लेकर आएंगे, जहाँ पे हमारा टारगेट है कि सबसे पहले हम आपको 10 दिन में कम से कम 300 प्रश्न करा दें। इसलिए यहां के बाद आप गलती मत करिएगा, वीडियो को बेहतर लगे अपने 10 साथियों तक बताइएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, यह आपकी जिम्मेदारी है। चलिए आइए इसके बारे में बांधते हैं। आपके सामने आपका ताला खुला हुआ है, आप विकल्प पे जाइए और ताला लगाइए। जी हाँ, यहाँ पे अगर परसेंटेज के मामले में देखा जाए फिर लोग गलती कर रहे हैं। देखिए डेट्रॉयट शहर जो है ये मोटर कार के लिए है, बहुत ही प्रसिद्ध है, इसके बारे में हमने बताया है। ये कहाँ पर है? ये यूएसए में है। हवाना, हवाना क्या है? ये क्यूबा की राजधानी है। जी हाँ, हवाना कहाँ है? ये क्यूबा की राजधानी है। यहाँ सिगार के लिए हवाना बहुत ही प्रसिद्ध है। अगर हम बात करें सेल्फीड, तो ये कहाँ पर है? ये इंग्लैंड में है। कहाँ पर है? इंग्लैंड में है। कहाँ पर है? यह इंग्लैंड में है। और इसके लिए जानते रहिएगा यह किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? यह कटलरी के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन वेनिस शहर, यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि वेनिस शहर किसके लिए है? तो जो वेनिस शहर है यह कहां पर है? यह इटली में है। यह इटली में है और किसके लिए है? ध्यान से बताइएगा आप लोग, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? यह पोत निर्माण के लिए नहीं, यह कांच उद्योग के लिए, कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए यहां पर जो गलत है वही आपका सही होगा, ठीक है? माने जो गलत है वो डी। यहां पर ये बताना था आपको निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए आप लोगों ने, आपके सामने पोल खुला हुआ था, आपने इतनी गलतियां की, मतलब जो सही विकल्प था उससे जितने लोग लाइव सेशन में जुड़े हैं उसमें से केवल 24% लोगों ने जवाब दिया है डी, मतलब साफ और स्पष्ट है। सी लोगों ने 30% दिया, मतलब आपने नाम नहीं सुना है। इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि वीडियो को लोगों तक शेयर करिए, लोगों तक बताइए कहाँ पे बेहतर किया जा सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाइएगा, लोगों तक बताइएगा। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, कोई सवाल हो, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं,
ठीक, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे फटाफट कमेंट सेक्शन में जाएं और अब बताएं कि क्या क्लास कैसी लगी। और ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया हो, फिर लोगों तक जरूर पहुंचेगा। आंसर नहीं पता चलता इसके पोल में, यहाँ बस केवल और केवल प्रश्न का उत्तर देते हैं, बस तुरंत देख पाते हैं जब मैं बता पाता हूँ, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी को और आगे ले चलना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग, कितने लोग हैं जो वीडियो को शेयर करना चाहेंगे, तो चलिए बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। कल क्लास में फिर मिलते हैं, अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। यहाँ पे आज पहली बार लगा होगा कि परीक्षा हॉल में आप बैठे हैं हमारे साथ, क्लास की टाइमिंग आपको पता है, टेलीग्राम पर जुड़े रहिएगा। बाय बाय, जय हिंद जय भारत, थैंक यू, प्लीज शेयर एवरीवन, बाय बाय, नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, अच्छे अच्छे प्रश्न के कलेक्शन आपके लिए लेकर आते हैं हम, अभी याद दीजिएगा।